आज हम बनाएंगे ऑनियन उत्तपम। ऑनियन उत्तपम दिखने में जितने टिमटिंग दिखते हैं, खाने में उतने टेस्टी रहते हैं। ये बनाए जाते हैं दाल और चावल के साथ और खाया जाता है इसे सांभर और चटनी के साथ। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बनाने में आसान होते हैं और ये एक हेवी ब्रेकफास्ट होता है, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। आप इसे लंच और डिनर में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसे खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती। या ये इतना बढ़िया मेनू है कि इसे आप किसी पार्टी में भी रख सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी। तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। तो रेसिपी को देखने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी उड़द की दाल और दो कटोरी चावल। चावल आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल देंगे और एक साथ मिला देंगे चावल और दाल को। अब इसको हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेना होगा। धोने के बाद जो इसके इसमें जो इम्प्यूरिटीज रहती है वो निकल जाएगी, क्योंकि दाल और चावल को धोने के बाद थोड़ा सा इसे सफ़ेद पानी निकल आता है। जब तक वो पानी क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसे धोना है। तो इसे मैंने 3 से 4 बार धो दिया है। अभी इसमें मैं पानी डाल के इसको कवर करके रखने वाली हूँ। 3 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको हम कवर करके रखेंगे और 7 से 8 घंटे तक इसे भीगने देंगे। 7 से 8 घंटे लग जाते हैं भीगने में। 8 घंटे के बाद हम चेक कर रहे हैं तो देखिए दाल और चावल बहुत ही बढ़िया से भीग चुके हैं। और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। मिक्सी के जार में हम इसे ग्राइंड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे ग्राइंड करते समय, क्योंकि इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। और ये देखिए मैंने किस तरीके से फाइन पेस्ट बनाया है इसका। अब ये रेडी हो चुका है। इसे मैं उसी पतीले में निकालूंगी जिस पतीले में मैंने पहले बैटर निकाला है। अब हमारा उत्तपम का बैटर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बन चुका है। लेकिन हम इसमें डाल देंगे फर्मेंट करने के लिए थोड़ा सा दही। 1/4 कप दही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। दही गाढ़ा है और ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार नमक। 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं टेस्ट के लिए। नमक और दही डालने के बाद इस बैटर को अच्छे से फेंट लेना है, ताकि नमक और दही में अगर कुछ लम्स हो तो वो भी अच्छे से घुल जाए। ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, क्योंकि इतना गाढ़ा बैटर अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाता है, थोड़ा पतला करना ज़रूरी है। अब 1 कप पानी डालने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो रही है। अच्छे से मिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। कंसिस्टेंसी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अब इसको हम फर्मेंट करेंगे 6 घंटे के लिए। 6 घंटे में ये और फूल जाएगा तो गाढ़ा बनी जाएगा बैटर। अब इसको हम चेक करेंगे 6 घंटे के बाद। 6 घंटे हो चुके हैं और देखिए बैटर कितना बढ़िया से फूल चुका है, बिल्कुल स्मूथ बैटर दिख रहा है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो इस तरीके का बैटर हमें चाहिए होगा। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद उसको अच्छे से मिला लेना है और 3 से 4 मिनट तक इसको फेंट लेना है। है ना बैटर, कितना आसान रेसिपी है बैटर बनाने की। इस तरीके से बैटर बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, उत्तपम परफेक्ट बनेंगे। चलिए उत्तपम के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज और मसाला। गरम मसाला है ये, घर का बना हुआ मसाला है, जिसमें लाल मिर्च पाउडर और
धनिया पाउडर इसमें ऑलरेडी मिले हुए रहते हैं। अगर आप बाहर का गर्म मसाला यूज़ करेंगी तो भी चलेगा। अब पैन हमारा गर्म हो चुका है, पैन पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इसे ग्रीस करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे ऑयल की जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 2 चम्मच बैटर डाल रही हूँ मैं उसके ऊपर। हल्के से स्प्रेड करना होगा बैटर को, नहीं तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा उत्तपम। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऑनियंस और गरम मसाला, दोनों को स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ऑनियन आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, और मसाला भी आप अपने टेस्ट के अनुसार स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब ढककर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद ये बढ़िया सा उत्तपम रेडी हो चुका है, लेकिन इसको हम फ्लिप करके दूसरी साइड से भी थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं सेकने के लिए, मैं कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है, ज़्यादा ऑयल की इसके ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड से अच्छे से सेक लेने के बाद ये उत्तपम खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए ये हो चुका है, निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरे भी बना लेते हैं। यहाँ पे बैटर अगर आपका परफेक्ट हो जाए ना फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया फूलते हैं ये उत्तपम, उसके ऊपर बढ़िया से जाली भी आ जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बनाने में तो आसान है ही, और इसे आप पार्टी में का मेनू भी रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। गर्मा गर्म बना कर देना ही होता है, बाकी कुछ इसमें कष्ट नहीं रहते हैं। तो इसके साथ जो मैं सांभर और चटनी सर्व करने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो उसके लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। चटनी की 2-3 तरीके की चटनी है, वो दोनों चटनी की रेसिपी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वड़ा सांभर की जो रेसिपी है, उसमें सांभर की रेसिपी है, तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। सारे उत्तपम बन के रेडी हो चुके हैं, हमने सर्व किया है चटनी और सांभर के साथ, जो कि टेम्प्टिंग टेस्ट में है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यम्मी रेसिपी है। और जिनके दांत नहीं होते वो लोग भी खा सकते हैं, जैसे कि घर में अगर दादा दादी नाना नानी हो तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता है फ्रेंड्स। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, छोटे बच्चे भी मज़े ले लेकर खाते हैं इसे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।